मेरे मस्तक के सिंहासन भारत माता आसीन रहे। जवानों की टुकड़ियां होंगी, जोशीले कदमों से उठेगी जोशीला ताल। गणतंत्र के इस पर्व को मनाने में जमीन से आसमान। सरकार माननीय मुख्य अतिथि महोदय का द्वारा ध्वज फहराकर गणतंत्र दिवस समारोह का शुभारंभ किया जाएगा। आगे की ओर अग्रसर होते हुए सत सत वंदन भारत माता, धन्य हमारी माटी है, सदाचार है बना आचरण, ऐसी अपनी परिपाटी है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय टोलियों के समीप पहुंचते हुए प्रथम टोली नागरिक पुलिस महिला नेतृत्व श्रीमती साधना यादव, द्वितीय टोली सशस्त्र पुलिस नेतृत्व उप निरीक्षक श्री आशीष सहरावत, तीसरी टोली नागरिक पुलिस नेतृत्व मोहम्मद अनी, चतुर्थ टोली पीएससी नेतृत्व प्लाटून कमांडर श्री धर्मेंद्र कुमार। खुल गया यार। पांचवी टोली महिला हेल्पलाइन महिला सशक्तिकरण नेतृत्व श्रीमती सर्वेश मौर्य। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का द्वारा ध्वज फहराकर गणतंत्र दिवस समारोह का शुभारंभ किया जाएगा। संभवतः कोहरा और शीत के चलते रस्सी बजने हैं। अदम्य उत्साह, शौर्य, उमंग और उत्साह के साथ हाथों से हाथ कदम से कदम मिलाती हुई परेड धीरे धीरे मुख्य मंच की तरफ से होकर गुजरेगी और माननीय मुख्य अतिथि महोदय को मान्य प्रणाम प्रस्तुत करेगी। आप सभी से अनुरोध है, जब हम अपने इन
जवानों विभिन्न टुकड़ियों को उत्साह से लबरेज देख रहे हो और लगे कि हाँ ये शानदार तैयारियां और प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हम सभी इनका जोरदार कर्तन ध्वन से उत्साहवर्धन करेंगे। यही है कि इनको अच्छा श्रेयस्कर और संरक्षा का कार्य करने को प्रेरित करती है। शिशिर ऋतु की ये मनभावन प्रातःकालीन वेला आज एक बार फिर अपने गणतंत्र दिवस को उल्लासित होकर सभी को शुभकामनाएं दे रहा है। इतनी ठंड के मौसम में सभी उत्साहित होकर इस प्रांगण में इस भव्य परेड के साक्षी बनते हुए लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को सवारा है। फरिश्ते तुम वतन के हो, तुम्हें सजा हमारा है। हर तूफा को मोड़ दे जो हिंदुस्तान से नजर मिलाए, सीना अपना भले हो चलनी, तिरंगा सदा शान से लहराए। हाथों से हाथ कदम से कदम मिलाती हुई परेड अपने कमांडर प्रथम और द्वितीय के नेतृत्व में दर्शक दीर्घा से गुजरते हुए धीरे धीरे मुख्य पंडाल की ओर आते हुए परेड कमांडर प्रथम श्री अजेंद्र यादव, क्षेत्राधिकारी पलिया, परेड कमांडर द्वितीय श्री प्रवीण कुमार, क्षेत्राधिकारी मिताली, माननीय मुख्य अतिथि महोदय को मान प्रणाम प्रस्तुत करते हुए बोली नागरिक पुलिस महिला साधना यादव के नेतृत्व में माननीय मुख्य अतिथि महोदय को बहुत ही शानदार। द्वितीय टोली सशस्त्र पुलिस उप निरीक्षक श्री आशीष रावत के नेतृत्व में मान प्रणाम प्रस्तुत करते हुए, तीसरी टोली नागरिक पुलिस मोहम्मद अनीश के नेतृत्व में माननीय मुख्य अतिथि महोदय को मान प्रणाम प्रस्तुत करते हुए उतरते हुए आप सभी से बहुत शानदार। चौथी टोली पीएससी कैप्टन कमांडर श्री धर्मेंद्र कुमार के नेतृत्व में मान प्रणाम प्रस्तुत करती हुई, पांचवी टोली महिला हेल्पलाइन महिला सशक्तिकरण श्रीमती सर्वेश मौर्य के नेतृत्व में बहुत ही शानदार कर्तव्य ध्वनि की आकांक्षा। हमारी छठी टोली अभियोजन कार्यालय नेतृत्व उप निरीक्षक अमरेश्वर दत्त, पुलिस कार्यालय श्री राजेश कुमार यादव के नेतृत्व में गुजरते हुए शानदार प्रदर्शन। आठवीं टोली होमवासी नेतृत्व कर रहे कार्टून कमांडर श्री अजीत कुमार और पद पर चार्ज परेड कमांडर सुधीर श्री दिनेश कुमार मिश्रा जी और उपस्थित। से गुजरते हुए पीआरवी नोवा डब्ल्यू सिंह और मध्य पीआरवी नोवा पुलिस रेडियो संचार माननीय मुख्य अतिथि को मान प्रणाम देते हुए और इसका हमारी तरफ में भूतपूर्व सैनिक भी उपस्थित है। हम सभी के लिए जवाब का अवसर है। इनके पुराने बलिदान से हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, पूरी राजधानियों से उसका आवेदन करें। नेतृत्व
जी हाँ, राम नाम का गौरव जीता, सत्य सनातन सौरव जीता, अवस्थी की माटी जीती, परिपाटी जीती, ठीक प्रभु श्री राम की तरह मर्यादित हमारी ये परे। सभी टोलियां अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचती हुई बहुत ही शानदार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में एकत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं।